अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज से मैथ 302 का लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इसमें हमने पार्ट 3 को डिस्कस करना है। इसका ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। इस लेक्चर्स में हमने स्टूडेंट्स जो लेक्चर नंबर 3 हमने स्टडी किया था उसी से रिलेटेड जो है इसमें हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक्सेल पर वर्क करेंगे। ठीक है, ये ग्रॉस रेम्यूनरेशन ये हमने जो है पिछले लेक्चर में स्टडी किया था वही वाली सारी चीज़ें हैं ये वाली। तो आप जो से रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना एक सीक्वेंस के साथ लेक्चर्स लिया करें, क्योंकि हर लेक्चर जो है लास्ट लेक्चर से जो है उससे रिलेटेड होता है। तो अगर आप जो है सीक्वेंस से लेंगे आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ओवरव्यू करवा देती हूँ जो हमने लेक्चर नंबर 3 में स्टडी किया था। बेसिकली ग्रॉस रेम्यूनरेशन वो होता है जो कि एक एम्प्लॉयमेंट को जो है वो टोटल इनकम दी जाती है कंपनी की तरफ से। ठीक है, इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। द फॉलोइंग स्लाइड शोज वर्कशीट कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस रेम्यूनरेशन ऑन द बेसिस ऑफ 6000 रुपीज़ बेसिक सैलरी। ठीक है, ये जो है स्लाइड्स नीचे दी गई हैं, वो एक्सेल पर जो है वो हम इस पर वर्क करेंगे साथ साथ। यहाँ पे आप देख रहे हैं हम ये स्टडी किया था हाउस रेंट हमारे पास 45% होता है। ठीक है, ये हमारे पास परसेंट में है। अगर इसको हमने फ्रैक्शन में करना है तो 45 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ तो 0.45 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास कन्वीनियंस एंड यूटिलिटीज़ यानी अलाउंस अबाउट 2.5% होता है बेसिक सैलरी का। ग्रेजुटी और प्रोविडेंट फंड जो होता है हमारे पास वो 1/11 होता है बेसिक सैलरी का। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जो है अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेल फार्मूलाज विथ इन द ब्रैकेट से हमारे पास जो है वो उन्होंने सारी वैल्यूज दी गई हैं। हमने इसको जो है एक्सेल पर भी करना है, पहले मैं आपको वैसे समझा देती हूँ और साथ साथ हम एक्सेल पर भी करेंगे। बेसिक सैलरी हमारे पास 6000 है, हाउस रेंट हमारे पास 0.45 है, इसको फ्रैक्शन में चेंज किया है। तो हाउस रेंट फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम बेसिक सैलरी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास ये 6000 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 2700। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ ज़रा। अब यहाँ पे आपके सारे ये लिखा हुआ है बेसिक सैलरी हमारे पास जो है वो 6000 है, ऐसे ही है। ठीक है, डाटा लिखा आपने ऐसे राइट कर लेना है। हाउस रेंट आपके पास है 0.45। अब हमने क्या करना है सिंपली कि आपके पास जो 0.45 है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आप फार्मूला अप्लाई करने से पहले, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर से बता रही हूँ कि एक्सेल में कोई भी फार्मूला अप्लाई करने से पहले इक्वल का साइन जो है वो मस्ट होता है। उसके बाद आप उस सेल को सिलेक्ट करेंगे या आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। अब आपने जो है इनको मल्टीप्लीकेशन करनी है तो आप जो है मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। उसके बाद आपने इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि 6000 के साथ करनी है, तो आप करेंगे प्रेस तो आपके पास देखें ज़रा ये आपके पास आ गया 2700। ठीक है, तो ये आपके पास हाउस रेंट है। ठीक है, यहाँ पर आप मैं इसके आंसर जो है वो थोड़ा साइड पर ऐड कर देती हूँ ताकि आपको जो है वो बाद में इनको हम सम अप करने में मुश्किल ना हो। तो ये हमारे पास है हाउस रेंट, इसको हम कट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें इसी तरह हमने कन्वीनियंस अलाउंस फाइंड आउट करना है। वो किस तरह करते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे 2.5% दिया गया है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 0.025 आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने जब 6000 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास कन्वीनियंस अलाउंसेस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम करके देख लेते हैं। सी ए जो है वो कन्वीनियंस अलाउंसेस को ही रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी हमारे पास है 0.025। ठीक है, अब जो है इसको भी हमने 6000 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे सिंपली इक्वल का साइन लगाएंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, 6000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन आपने लगाना है। लगाने के बाद जो है आपने इस सेल पे क्लिक करना है और आप जो है इंटर प्रेस करेंगे तो 150 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको भी यहाँ पे ही राइट कर लेते हैं। ये हमारे पास है सी ए। ये आप देख सकते हैं हमारे पास 150 आ गया है। ठीक है, तो आपने एक्सेल पे जो है साथ साथ इस तरह उन्होंने बताया है, ये देखिए मल्टीप्लिकेशन का साइन ऊपर दिया गया है। ठीक है, तो उसी तरह आपने साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है यूटिलिटी अलाउंस, सेम एज वो भी हमारे पास कन्वीनियंस अलाउंस के इक्वल होता है, तो आपने जो है इसे भी इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 150 आ जाएगा। ग्रोथ सैलरी आप करने के लिए क्या करेंगे कि इन जो चार वैल्यूज हमारे पास आई हैं इनको आप जो है सम कर लेंगे। तो मैं आपको ये सम करना भी सिखा देती हूँ एक्सेल पर।
150 इसका हमारे पास यूटिलिटी अनालिसिस भी था, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो है 6000 बेसिक सैलरी थी, 6000 भी हम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि ये हमारे पास बेसिक सैलरी थी। अब हमने इन वैल्यूज़ को जो हमारे पास हैं इसको हमने सम करना है, ऐड करेंगे। किस तरह करेंगे? सबसे पहले हम इक्वल ऐड करेंगे। इक्वल ऐड करने के बाद आपने एस यू एम लिखना है, ठीक है। जैसे आप लिखेंगे तो इस तरह का आपके पास आ जाएगी, ठीक है। आपने इसमें से फर्स्ट को सिलेक्ट करना है, फर्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ब्रैकेट्स भी लग जाएंगे ऑटोमेटिकली और ये नंबर्स लिखे आ जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट सेल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है आपने इसको डाउनवर्ड ड्रैग कर लेना है, ठीक है। ड्रैग किस तरह करेंगे, सिलेक्ट भी साथ साथ होगा और ये ड्रैग भी होगा। उसके बाद आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये टोटल वैल्यू आ जाएगी सम होने के बाद, जो कि 9000 है। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे 9000 है वैल्यू, ठीक है। तो ये हमने एक्सेल पे करके देखा है। इसी तरह हमारे पास ग्रेजुटी फंड 1/11 होता है, इसको हम 6000 से मल्टीप्लाई एक्सेल में करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 545। ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये वर्कशीट पर जो है वो सही यही काम किया गया है, मैंने आपको जो करके दिखा दी है, ठीक है। साथ साथ तो आपने जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रॉस रेम्यूनरेशन। बेसिक सैलरी दी गई है, हाउस रेंट ये यानी हमारे पास कन्वीनियंस अलाउंस यूटिलिटीज़, इनको सम किया गया है, वही सेम है जिस तरह हमने निकाली है, ठीक है। ग्रेजुटी मैंने आपको बताई है कि 1/11 होगा, आपने मल्टीप्लाई 6000 से करना है तो आपके पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एवरेज। एवरेज बेसिकली होता क्या है, इसे अर्थमेटिक मीन भी एवरेज को कहते हैं। एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्थमेटिक मीन और एवरेज ये सेम एक ही चीज़ है, ठीक है। और अगर हमें कहा जाए कि आपको डाटा दिया गया है, आपने इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, एवरेज, तो हम किस तरह करते हैं, इसका फार्मूला होता है कि सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़, जो आपको वैल्यूज़ दी गई हैं डाटा में आपने उनको सम करना है और डिवाइड कर दे रहे हैं नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पर, ठीक है, कि वो वैल्यूज़ कितनी दी गई हैं। नेक्स्ट इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ये देखिए ज़रा एग्जाम्पल है इसकी वन, इसमें आपके पास डाटा है 10, 7, 9, 27, 2, ठीक है। तो ये आपके पास देख सकते हैं डाटा दिया गया है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको जो है सम करना है, सबको ऐड करना है। 10+7+9+27+2 जो कि हमारे पास 55 बन जाएगा, ठीक है। अब हमने फार्मूला में स्टडी किया है कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पर हमने डिवाइड करना है और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी हम काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो अब जो है हम 5 पर इसे डिवाइड करेंगे, 55 को 5 पर डिवाइड किया तो हमारे पास 11 आ गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपने माइंड में रखनी है, ये एमसीक्यूज आ जाते हैं इस तरह के। आप एवरेज फाइंड आउट करें इसकी या अर्थमेटिक मीन, तो ये जो है एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट है एडिंग नंबर्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम जो है नंबर्स को किस तरह ऐड करते हैं, अगर हमें जो है नंबर ऑफ लिस्ट दी जाए, कॉलम्स दिए जाएँ या रोज में, तो ऐड करने का हमारे पास क्या तरीका होता है हम देख लेते हैं। या भी हमने ऐड करना सीखा भी है, वही सारी चीज़ें हैं। ये देखें, ये 5, 10, 15 दिए गए हैं। ज़रा मैं आपको इसका अगेन करके दिखा देती हूँ। वैसे ये हमने अभी इसको भी सम किया था, वही सेम प्रोसीजर है, 5, 10, 15, ठीक है। अगर ये डाटा दिया गया, अब हमने जो है इसको करना है। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो डाटा दिया गया है, ये 14 हमारे पास इसमें रोज़ आ रही है और कॉलम हमारे पास है डी, ठीक है। डी ये वाला हमारे पास कॉलम है, हम कह सकते हैं डी 14, और इसको कहेंगे जो हमारे पास 10 वैल्यू है इसके कहेंगे कि ये हमारे पास है डी 15 पर, जो हमारे पास 15 वैल्यू है इसको कहेंगे डी 60, क्योंकि ये 60 की रो में है, ठीक है, और ये डी के कॉलम में है। अब इसको हमने सम करना है, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम इक्वल का साइन लगाएंगे, इक्वल का लगाने के बाद जो है आप एस यू एम राइट करेंगे। जैसे ही राइट करेंगे ये बार आपके पास आ जाएगी, फर्स्ट को आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने फर्स्ट सेल पर इस तरह क्लिक कर देना है, ठीक है। तो वो आपके पास ऐसे शो हो जाएगा, उसके बाद जो है आपने इसको डाउनवर्ड ड्रैग कर लेना है। ये आप देख सकते हैं ये तीनों को जो है मैंने ड्रैग कर लिया है। अब आपने जस्ट इंटर प्रेस करना है और आपके पास ये 30 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम जो है इसको सम करते हैं, इसका आंसर हमारे पास 30 आ जाएगा। तो वही उसने एक्सेल में बताया हुआ है। ये सारा जो है थ्योरेटिकल यही चीज़ें बयान की गई हैं जो मैं आपको जो है एक्सेल पे करके दिखा रही हूँ। तो ये भी आपके पास वैल्यूज दी गई हैं इनवाइस में, ठीक है। तो
आपने इसको जो है सिंपली जिस तरह मैंने सम करना बताया है वैसे करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं वी एस यू एम। ये बेसिकली हमारे पास है क्या, एज द नंबर्स इन कॉलम्स ऑफ अ लिस्ट डेटाबेस दैट मैच कंडीशन यू स्पेसिफाई। ये इसके जो सिंटैक्स है ना ये आपने माइंड में रखने हैं, डेटाबेस फील्ड क्राइटेरिया, ठीक है। डी एस यू एम का हमारे पास यही है कि डेटाबेस फील्ड क्राइटेरिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एवरेज, एवरेज यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब हमने एवरेज फाइंड आउट करना है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करते हुए। ये हमारे पास डाटा दिया गया है 10/7/9/27/2/11, ठीक है। अब हमने जो है एक्सेल पर इसको करके देखते हैं, यहाँ पे मैं राइट कर लेती हूँ एवरेज ताकि आपको पता रहे कि हम कर क्या रहे हैं। हमारे पास डाटा क्या है 10/7/9, ये हमारे पास जो है डाटा है। अब हमने इसका एवरेज फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास के कॉलम में है और जो 10 है वो किस रोज में आ रहा है, 13 में। तो हम कह सकते हैं 13 के, ठीक है। तो आपने ये चीज़ जो है अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। ये सारी पुरानी बातें हो गई क्योंकि ये मेरे बात बहुत बार रिपीट कर दी है, उम्मीद है अब तो आपको समझ आ गई होगी। अब हमने एवरेज का फार्मूला अप्लाई करना है, जैसे कि पहले भी आपको बताया था, हम इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद जो है एवरेज राइट करना है ए बी ई। जैसे आप लिखेंगे तो इस तरह की बार आपके पास शो हो जाएगी। इसमें आपने सेकंड वाले को जो है इसको सेलेक्ट कर लेना है, यानी क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने फर्स्ट जो है उस पर सेल पर क्लिक करने के बाद सेम एज आपने ड्रैग कर लेना है, ठीक है। ये ड्रैग जैसे ही करते जाएंगे और ये आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास फार्मूला बार इसको कहते हैं, इसमें जो है आपके सारा कुछ शो हो जाता है कि मीन के एवरेज जो है वो कौन से रोज कॉलम्स में हमारे पास वैल्यूज दी गई है, ये सारा कुछ ऊपर शो हो रहा है। अब सिंपली आपने क्या करना है, इसके इंटर प्रेस कर देना है। जब इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास 11 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम जो है एवरेज फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास इसका आप आंसर देख सकते हैं, एक्सेल पर 11 है। नेक्स्ट जो है उन्होंने वैल्यूज ऐसे दी हुई हैं, ये आपने खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है कि एवरेज किस तरह फाइंड आउट करते हैं, मैंने आपको बता दिया है कि कैसे करना है। वेटेड एवरेज हमारे पास अब टॉपिक है नेक्स्ट। वेटेड एवरेज बेसिकली होता है क्या है ये देख लेते हैं। उसने कहा वेटेड एवरेज इज वन टाइप ऑफ आर्थमेटिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ डाटा इन विच सम एलिमेंट्स ऑफ द सेट कैरी मोर इम्पोर्टेंट वेट देन अदर्स, ठीक है। ये बेसिकली आर्थमेटिक मीन के ही टाइप है। तो ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि वेटेड एवरेज जो है वो आर्थमेटिक मीन की ही एक टाइप है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ़ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एस ऑन इज अ सेट ऑफ नंबर्स ऑफ डाटा एंड डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री एस ऑन एंड कॉरेस्पॉन्डिंग वेट्स ऑफ द डाटा दें, क्योंकि वो उसी की टाइप है। तो हमने उसमें जो है वो एक्स वन एक्स टू पढ़ा था कि हमारे पास जो है वो वैल्यू जितनी दी गई थी, ये हमारे पास जो है उसकी जगह वेट डब्ल्यू आ जाएगा एक्स की जगह। तो वेटेड एवरेज हम किस तरह फाइंड करेंगे, एक्स वन को डब्ल्यू वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स टू को डब्ल्यू टू के साथ, एक्स थ्री को डब्ल्यू थ्री के साथ, एस ऑन एक्स एन को डब्ल्यू एन के साथ। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमारे पास एग्जाम्पल दी गई है, हमने इसको सॉल्व करना है। किस तरह करेंगे, उसने कहा कि ग्रेड्स आर ऑफन कंप्यूटर यूजिंग अ वेटेड एवरेज, सपोज द वेट्स ऑफ होमवर्क इज 10%, क्विज 20% एंड टेस्ट 70%, ठीक है। क्या आपके 10% इंक्लूड क्विज के मार्क्स, होमवर्क के होंगे, क्विज के 20% होंगे और टेस्ट के 70% होंगे। तो सबसे पहले आपने जो है परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है कि आपने जो है परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो आप जो है 10% को डिवाइड करेंगे 100 के साथ, 0.1 आ जाएगा, सेम एज इसका 0.2 आएगा और इसका हमारे पास 70% का 0.7 आ जाएगा। इफ़ अहमद हैज़ अ होमवर्क ग्रेड ऑफ 92, क्विज ग्रेड ऑफ 62 एंड अ टेस्ट ग्रेड ऑफ 81 देन, ठीक है। तो हमने सिंपली क्या करना है, ये जो हमारे पास दिए गए हैं इसमें होमवर्क क्विज के मार्क ग्रेड्स, ठीक है, फ्रैक्शंस में है, इसको कन्वर्ट करना है हमने, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है इन अहमद ने जो होमवर्क में ग्रेड हासिल किए हैं, ठीक है। तो उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आपको भी फार्मूला बताया है, वही फार्मूला इस पर अप्लाई होगा, ठीक है। 0.1 जो है वो 92 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0.2 जो है वो 68 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0.7 जो है 81 के साथ मल्टीप्लाई होगा और साथ में हमारे पास प्लस का साइन है। ये आप देख सकते हैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली हमने जस्ट सोल्व करना है।
जो कि हमारे पास 79.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसने कहा लेट अस सी अनदर एग्जांपल। एक और एग्जांपल है हमारे पास, उसमें हमारे पास जो है टेबल की सूरत में बताए गए हैं कि ग्रेड ऑफ लेबर स्किल्ड हैं। ठीक है, कि हमारे पास लेबर्स आवर्स पर यूनिट ऑफ लेबर यानी कितने घंटे वो दिन में काम करते हैं, वो सारी जो है बताए गए हैं। ठीक है, तो ये आप जो है खुद कर लीजिएगा, क्योंकि सेम है तो वही सेम करना है आपने, प्रोसीजर वही है, सिंपली आपने इसको ऐड कर लेना है। ठीक है, अगर हमारे पास जो है वेट भी हो उनका तो आपने वेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर जस्ट जो है हमारे पास ये आर्स दिए गए हैं इसमें आर नॉट इन फ्रैक्शन, सो फर्स्ट वी कन्वर्ट दैन टू फ्रैक्शन, दैन टोटल लेबर्स आर्स, टोटल लेबर्स आर्स हमारे पास 10 आ जाएंगे। उसके बाद आपने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद जो है आपने इसको साथ मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना है। ठीक, आप इसके साथ साथ खुद भी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पे होता है एंड, उम्मीद है समझ आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अगर कोई कन्फ्यूजन हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।